आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने इस तरह के टॉपिक पर मुझे बोलने के लिए जो आपने मौका दिया, एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सृष्टि प्रकृति और पुरुष से बनी। जब ये सृष्टि बनी तो बनाने के बाद परमात्मा ने सोचा कि इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, ये पर्वत बनाए हैं, पेड़ पौधे बनाए हैं, पशु पक्षी बनाए हैं, लेकिन इसको देखने के लिए देखने वाला भी तो कोई होना चाहिए, इसीलिए उसने इंसान को बनाया। लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो भूल गया कि ये इंसान को जो बनाया है ये प्रकृति की सुंदरता को देखने के साथ साथ इस प्रकृति को खराब करेगा, इस प्रकृति को पल्यूट करेगा, इसके बारे में वो सोचना भूल गया मुझे लगता है अध्यक्ष जी। क्योंकि हम कहते हैं कि हर इंसान के अंदर आत्मा है और आत्मा में परमात्मा है, तो मुझे लगता है कि अब शायद वो पछता रहा होगा कि थोड़ी सी समझ अगर हम इसके बारे में भी दे देते इंसान को कि वो इस प्रकृति को किस तरह से बचा के रखे, तो मुझे लगता है कि शायद अब उसको बैठ के पछताना नहीं पड़ता। असल में क्या है अध्यक्ष जी कि जितना भी विसर्जन है गैसेस का, कार्बन का है, चाहे हम सल्फर की बात करें, मोनोऑक्साइड, कोई भी गैस की बात करें, उस गैस के उत्सर्जन को प्रकृति एब्जॉर्ब करती। तो अगर हम सिर्फ उत्सर्जन की तरफ ही ध्यान देंगे और उसके एब्जॉर्प्शन की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो नेचुरल सी बात है कि जो इम्बैलेंस होगा इकोसिस्टम में, जो गड़बड़ होगा, वो जो है उसकी वजह से आज हम सब लोग कोई इधर खांस रहा है तो कोई उधर खांस रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेन जो है इसमें चार हमारे जो पोल्यूशन के जो हमारे तत्व हैं वो हैं, जिसमें हम बात करेंगे, हम वाहन से पोल्यूशन करते हैं, हम उद्योग से पोल्यूशन करते हैं, हम कचरा से पोल्यूशन करते हैं और हम डबल बर्निंग से या कचरा के बर्निंग से पोल्यूशन करते हैं। तो अध्यक्ष जी, मैं हर पहलू के ऊपर बात करके उसके बाद में उसके लिए थोड़ा सा कोई छोटा मोटा सुझाव भी देना चाहूंगी, क्योंकि हम सब यहाँ बात करते हैं सॉल्यूशन, कोई नहीं बात करता, सब बात करते हैं प्रॉब्लम की, दिक्कत क्या है ये बात करते हैं, सरकार ने क्या नहीं किया इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन जो है वो हम अच्छी तरह से, हमें देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि अगर आपके पास कोई अच्छा सुझाव है तो हमें दीजिए, और आपने देखा होगा कि वो उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर व्हीकलर पॉल्यूशन की, तो 25 से लेकर 30% जो है लाखों वाहन हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम कहें कि चलते हैं, और उसकी वजह से जबरदस्त पॉल्यूशन होता है। और इसलिए सरकार की तरफ से जहां तक मुझे पता लगा, मैंने जो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैदर की, कि 2014 में देश भर में BS3 ग्रेड का जो फ्यूल था वो था, और 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई तो BS4 का फ्यूल जो है वो स्टार्ट किया गया, और 2019 से NCR के अंदर BS6 का ग्रेड का फ्यूल जो है वो शुरू किया गया है, और हमें उम्मीद है कि 2020 से जो है BS6 ग्रेड का फ्यूल और BS6 ग्रेड के वाहन वो जो है हम सरकार जो है हमारी तरफ से लाने की कोशिश कर रही है। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव सरकार का है और इसमें मुझे लगता है कि और भी आगे तरक्की होगी। तो इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, सरकार ने जो ईस्टर्न एक्सप्रेस वे है, वेस्टर्न एक्सप्रेस वे है, ये सब बनाए हैं, उसकी वजह से जो दिल्ली में जो पॉल्यूशन था, इतने सारे व्हीकल्स जो इसके अंदर आते थे उसमें बहुत कुछ सुधार हमने देखा है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो उद्योग की, तो देखिए इसमें अध्यक्ष जी के उद्योग से भी हमारे बहुत पोल्यूशन आता है, और आप ये देखिए कि हमारे सिरसा में उधर से घग्गर नदी गुजरती है, पंजाब से होकर आती है, पंजाब के जितने भी उद्योग के हैं वहां पर, चाहे हम जूते की फैक्ट्री की बात करें या और फैक्ट्री की बात करें, तो उसको वो इतना बुरी तरह से पोल्यूट कर देते हैं कि वहां पर सिरसा के आसपास के रहने वाले लोगों को जबरदस्त जो है बीमारियां हैं, कैंसर की बीमारी है और भी बहुत सी बीमारियां हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम जो है वो जो हमारा, जैसे अगर ब्रिक किलन की बात करें तो ब्रिक किलन से भी बहुत ज्यादा जैसे पोल्यूशन होता है, तो उसमें एक सिस्टम है जिगजैग सिस्टम, अगर हम उस जिगजैग सिस्टम को उसके अंदर लगाएंगे तो उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। PNG गैस की का प्रयोग हम शुरू कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे सुझाव हैं कि अगर सरकार जो है हम अपनी तरफ से और सरकार की तरफ से भी हम मिलकर अगर इसको कोशिश करें सुधारने की, तो इसमें हम बहुत कुछ सुधार सकते हैं। अगर हम बात करें कचरा से जैसे पॉल्यूशन है, चाहे सॉलिड वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है, मेडिकल वेस्ट है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की धूल है, तो हम ये बात करते हैं कि अगर हम इनको अगर सॉलिड वेस्ट को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करें, कारखानों में जो है उसके कारखाने अगर हम लगाएं, तो मुझे लगता है कि हम इसको काफी तरीके से हम इसको रोक सकते हैं। और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि वन विभाग को जरूरत है बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन करने की, बहुत ज्यादा पेड़ लगाने की। NH जो है, जैसे हम दिल्ली से बात करें सिरसा डबवाली तक NH जो जाता है,
अध्यक्ष जी पहले वहां पर बहुत ज्यादा पेड़ होते थे, उन पेड़ों को काटने के बाद वो जो है फोर लेनिंग किया गया, लेकिन वहां पर उसके बाद पेड़ अभी तक लगे नहीं है। अगर आप अभी जाकर देखें तो वहां बिल्कुल खाली पड़ा है, और वो इलाका है जहां पर थोड़ा बहुत कभी कोई हमारे जो वहां के किसान हैं वो जब वहां पर धान की खेती करते थे तो वो पेड़ जो है अब्सॉर्ब कर लेते थे और वो जो उसका धुआं यहां तक नहीं पहुंचता था, ये बहुत बड़ा कारण है। तो मुझे लगता है कि वन विभाग को इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और अगर हम डबल बर्निंग की बात करें तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा काम इसमें किया, हम किसानों को दोष ना दे सिर्फ। और ये पराली में क्या है, पराली में दो तरह के धान होता है, एक बासमती होता है, एक बिना बासमती होता है, नॉन बासमती। जो बासमती है उसका जो पराली है उसको फॉडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो नॉन बासमती है उसी को ही, उसी का ही पराली बनता है। तो इसमें दो तरह के जो है, हमारी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने इसके अंदर कोशिश की है, एक इन सिटू ऑपरेशन और एक एक्स सिटू। इन सिटू में क्या है अध्यक्ष जी, कि उसमें कोशिश की जाती है कि हम किसानों को इसके बारे में अवगत कराएं कि अगर आप अपनी पराली को वहीं पर ही इस्तेमाल कर लें तो वो खाद के रूप में इस्तेमाल हो जाएगी, उसको काटने की जरूरत नहीं है। और एक्स सिटू में क्या होता है कि अगर आप अपनी पराली को काटते हैं तो उसका इस्तेमाल ऐसी फैक्ट्रीज में, ऐसी इंडस्ट्रीज में किया जाए जहां पर ईंधन की जरूरत होती है। तो हमारी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, मैं बात करूं माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 ऐसी फैक्ट्रीज जो है उनको चिन्हित किया है, और इसके साथ साथ सभी किसानों को उन्होंने 100 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से पैसे देने के लिए बात कही है, और इसके साथ साथ 1000 रुपया ऑपरेशनल चार्जेस के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर किया है। और देखिए मैं जो है डाटा लेकर आई हूँ, आप ये देखिए कि 55,523 लोकेशन पंजाब में ऐसी है जहां पर डबल बर्निंग हुई, और हरियाणा में सिर्फ 6,429। लेकिन कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो वहां पर नाम जो सब कुछ किया पंजाब ने, नाम हरियाणा का भी आ गया। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा छोटा या बड़ा भाई वो है, क्योंकि 1966 में हम लोग पंजाब से ही जो है हरियाणा अलग हुआ था। लेकिन फिर भी कोशिश ये है कि हम सब मिलकर इसका कोई ना कोई जो है हम अगर समाधान निकालेंगे तो तभी बात आगे बनेगी। तो और मैं कहना चाहूंगी आदरणीय अध्यक्ष जी कि एक पूसा 44 ये वैरायटी है, अगर इस वैरायटी की जगह पर हम कोई और वैरायटी, सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो अगर पराली होती है तो वो इस वैरायटी से होती है, तो क्यों ना हम कोई ऐसा रिसर्च करके कोई इसके अल्टरनेट कोई ऐसी वैरायटी लेकर आए कि पूसा 44 को हम आगे से उगाएं ही ना। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो क्रैकर्स से है, देखिए हम जो है दशहरे के उस पर जगह जगह पर रावण लगा देते हैं, लेकिन अपने अंदर को, अंदर के रावण को खत्म नहीं करते। क्या आपको लगता है कि पुतले बनाकर रावण को और उसको जला देने से हम उस बुराइयों को खत्म कर लेंगे? मुझे लगता है कि बहुत सख्त जरूरत है कि अंदर के रावण को खत्म किया जाए। और ई क्रैकर्स जो है, रावण ठीक है बनाइए, लेकिन उसके अंदर या तो ई क्रैकर्स इस्तेमाल कीजिए, या फिर कम से कम एक जिले का, एक ब्लॉक का, कहीं का, सबका मिलाकर एक बना लीजिए। उसकी जगह हम जगह जगह पर अगर जो बना देते हैं तो उसकी वजह से भी मुझे लगता है, क्योंकि समय यही है। आप देखिए कि जो बच्चे हैं पहले कहते थे कि जी दिवाली फेस्टिवल कब आएगा, हमारी छुट्टियां होंगी, आप कहते हैं कि पोल्यूशन फेस्टिवल कब आएगा क्योंकि हमारी छुट्टियां होती हैं, बच्चों को पोल्यूशन फेस्टिवल की भी अब इंतजार रहती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, और एक मैं कहना चाहूंगी कि पिछले दिनों जो पेरिस में समिट हुआ, उसके अंदर हमारे वहां के जो यूएस के प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो मेरी सभी सांसद महोदय जो यहां पर हैं उन सब से गुजारिश है कि क्यों ना हम सब एक लेटर लिखकर हम अपने जो ट्रंप साहब हैं उनको रिक्वेस्ट करें कि देखिए सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो है वो यूएस से करता है, तो क्यों ना आप उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। अभी ब्राजील में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, और अमेजोन जो जंगल है उसके अंदर आपको मालूम है कि 905,000 करोड़ का जंगल जो है वहां से वो बिल्कुल भस्म हो गया, बिल्कुल वहां से जल गया। तो देखिए ये फेफड़े हैं हमारे। और मैं इसके साथ अपनी बात को थोड़ा सा दो ही मिनट में खत्म करना चाहूंगी कि मुझे तो बल्कि कई बार कष्ट होता है कि हमारे यहाँ पर सुप्रियो जी बैठे हैं, हमारे यहाँ पर रवि किशन जी, हमारे हेमा मालिनी जी, सब लोग जो हैं वो अलग अलग इस इंडस्ट्री से आते हैं, तो मैं ये फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं, और कोई समय था कि हवा पे कितने गाने बनते थे, था कि भी जब चली ठंडी हवा, जब उड़ी काली घटा। हम ये आगे 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 आने वाले समय में कैसे करेंगे सुप्रियो जी? हवा हवा ऐ हवा खुशबू उड़ा दे, अरे अब ये चारों तरफ पॉल्यूशन रहेगा तो किस तरह से हम ये, तो मुझे तो बॉलीवुड के ऊपर भी बहुत चिंता आती है। और जिस तरह से हेमा मालिनी जी ने व्यक्त किया कि वो मथुरा वृंदावन से आती हैं,
और वृंदावन में उन्होंने बताया कि किस तरह से बंदर जो है उनकी कितनी बड़ी दिक्कत आ रही है। वृंदावन, वृंदा मैंने तुलसी, वन मैंने वन, अब कहां वो वन रह गए हैं। तो क्यों ना हम कुछ ना कुछ ऐसा करें। खासकर मेरी एक छोटा सा और सुझाव था कि जो पंचायत है, पंचायत में जो गोचरण की भूमि, जो दो मिनट के लिए मात्र, आपने 20-20 मिनट का समय दिया। नहीं, आप देखिए, अगर बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, अगर ठीक लग रहा है तो आप सुनिए। अभी क्लाइमेट चेंज पे तो बात हुई नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वृंदावन जो है तुलसी और वन, और इसलिए उसको वृंदावन कहा गया था। तो मैं ये चाहती हूँ कि क्यों ना पंचायत, जो हमारी ग्राम पंचायत है, उन ग्राम पंचायतों में जो गोचरण की भूमि है वहां पर जंगल भी उगाए जाएं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 तक सबके पास छत होगी, सबका मकान होगा, लेकिन हम इसके साथ साथ पक्षियों के मकान को तो हम तोड़ रहे हैं। नमो देवे महादेवे वाय सततम नमा नमा प्रकृति भद्राय नियता प्रणता समताम। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। एज अ यंग मैन ऑफ इंडिया, इट फील्स वेरी मच रेस्पॉन्सिबल, because we are talking about a healthy India for ourselves.